हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं DUCC मतलब डूना बॉडी क्रिकेट क्लब और रॉयल टाइगर क्रिकेट क्लब के बीच में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की। यहां पर मैं आपको बता दूं लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला है, कितनी बड़ी ग्रैंड लीग लगी हुई है वो भी आपको पता है। यहां पर अब मेन चीज़ ये है, दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है, दोनों ही टीम्स के प्लेयर बहुत बढ़िया रहे हैं, दोनों ही टीम्स ने अपने दोनों मैचेस जीते हैं और अब तीसरा मैच है दोनों टीम्स का। और अब ये है कि भैया एक टीम की विनिंग स्ट्रीक होने वाली है ख़त्म। यहाँ पर आप देखो दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक रही है, दोनों ही टीम्स ने दिखाया है कि भैया हम इतने बढ़िया क्यों हैं और क्यों नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सुबह मैंने आपको बताया था कि भैया रेन के चांसेस, और यहाँ पर अभी भी रेन ही चल रही है ग्राउंड्स पे। और इस मैच की अगर मैं बात करूँ तो 50% परसेप्शन चांसेस हैं कि रेन होगी। यहाँ पर यह मान के चलो अभी जो मैच चल रहा है ना उसमें हमें 6 ओवर कंप्लीट होते हुए दिख चुके हैं, और ये मान के चलो कि ये 6 ही खेलेगी अभी वाली साइड COCC। अब 6 अगर हो जाते हैं उनके तो सही है, नहीं होंगे तो ये मैच रद्द हो जाएगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल आखिरी टाइम तक ये रुकने वाले हैं ECN वाले कि भैया हम अगर हो सके तो वो वाला मैच कंप्लीट करवाएं। ये होता है कि हो सके तो जितना मर्जी हो सके उतना मर्जी मैच कंप्लीट करवाएं, जैसे मर्जी मैच कंप्लीट करवाएं, 5 ओवर या 4 ओवर का ही मैच होगा ना तो वो भी ये कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़े से कम चांसेस है रेन के एज़ कम्पेयर टू जो सुबह वाला मैच हमने कवर करा। और वहाँ पर अगर आप देखो अभी भी अगर मैच ऐसे ही रुक जाए ना, और अभी ये विनिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वैसे करते नहीं है ODI में, पर अगर कर दें तो वही वाली बात है भैया, मेरी टीम तो रहेगी सबसे ऊपर। हेड टू हेड में सब मैं जीत रहा हूँ और वी रविंद्रन हर टीम में है वैसे देखा जाए तो, यार वही वाली बात है, एक एक पॉइंट सब में ही है। यहाँ पर आप देखो तो वो नहीं करा है हमने, जैसे मैंने ए माथुर नहीं लिया है, बी अदापका ले रखा है, उसके बाद एस मंडली रखा हुआ, पर यहाँ पर ए माथुर नहीं ले रखा, तो मेरे अपोनेंट ने ए माथुर ले रखा है और उसके है माइनस के, वो उसकी इकोनॉमी की वजह से उसके हुए हैं माइनस पॉइंट, तो उस वजह से जो है यहाँ पर अभी तक मैं ऊपर हूँ उससे। पर वही वाली बात है, अभी कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। यहाँ पर अभी हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे दोनों टीम्स की, पहले दो मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रही है और कौन से प्लेयर हमारे लिए बढ़िया रह सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अभी शुरू करते हैं। DCC की अगर आप बात करो, बहुत बढ़िया टीम है, यहाँ पर दोनों मैचेस 80+ रन बनाए और दोनों मैचेस जीते हैं। यहाँ पर टॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगी अब टीम। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अली हमारे पास हैं, दोनों मैचेस में इसने 12 और 39 रन बनाए, 2 विकेट पहले मैच में छटकाई। बॉबी पटेल आपके लिए ग्रैंड लीग चॉइस रहेगा, उसके बाद इज़र खान हमारे लिए एक बढ़िया चॉइस है क्योंकि पहले आया था नीचे, दूसरे मैच में आया ऊपर, तो ये हमारे लिए एक बढ़िया चॉइस है। इजाज़ अली की अगर मैं बात करूँ, ये प्लेयर आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट में मिलेगा, बहुत बढ़िया एक चॉइस हमारे लिए। एस जलमी आपके लिए डिफरेंशियल पिक प्लस आपको जो है बैटिंग में मिल रहा है, तो ये हम आराम से पिक करेंगे। उसके बाद अमित परिहार 31 रन के साथ 3 विकेट, उसके बाद विवेक सिंह 2 विकेट और 1 विकेट के साथ 3 विकेट, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अली पटनायक ग्रैंड लीग चॉइस, उसके बाद नीचे अगर आप देखो ये दोनों प्लेयर ने ज़्यादा कुछ करा नहीं, रोहित कुमार दूसरे मैच में आया पहले मैच में खेला नहीं। यहाँ पर आप देखो इन्होंने फालतू के प्लेयर्स को यूज़ ही नहीं करें भैया, जितने हमारे पास बॉलर हैं हम उतने यूज़ करेंगे, फालतू के प्लेयर्स के साथ हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप देखो दोनों ही मतलब वही वाले प्लेयर्स आपको हर बार दोनों ही मैचेज में बॉलिंग प्लस बैटिंग करते हुए दिखेंगे, और ये पाँचों आपकी टीम में होने चाहिए सीधी सी बात है। दूसरी टीम के भी बॉलर आपके पास होने चाहिए सीधी सी बात है, क्योंकि बॉलर्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बैटर्स, और यहाँ पर दोनों टीम्स के बॉलर्स बहुत बढ़िया हैं, तो वो हमें ध्यान में रखना है और उन्हें हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इजाज़ अली ने 2 विकेट छटकाई पहले मैच में, दूसरे मैच में 2 ओवर कंप्लीट करवाया, फिर उसके बाद सलमान जलीम ने पहले मैच में 0 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट, अली ने पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 0 विकेट, विवेक सिंह ने पहले मैच में 2 विकेट और दूसरे मैच में यहाँ पर आप देखो भैया 3 विकेट छटकाई हैं, अमित परिहार पहले मैच में 3 विकेट और दूसरे मैच में 0 विकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 5-5 बॉलर यूज़ करें। RTCC की अगर मैं बात करूँ, रॉयल टाइगर्स की बात अगर मैं करूँ, तो ये भी दोनों मैचेस जीते हैं और यहाँ पर आप देखो भैया इन्हें विकेट नहीं गंवाई हैं अपनी। ऊपर वाली टीम की अगर आप बात करो तो DCC ने एटलीस्ट विकेट तो गंवाई हैं, पर इन्होंने विकेट्स भी ली हैं। अब ये वाली बात है कि भैया इन्होंने विकेट, RTCC ने विकेट भी ली और विकेट भी नहीं गंवाई है, और नीचे के प्लेयर आप इसलिए नहीं लोगे क्योंकि हो सकता है शायद इनकी बैटिंग ना आए, पर आज के मैच में इनकी बैटिंग आएगी, और ये आज के मैच में ये देखो भैया नीचे के प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक ग्रैंड लीग में आप ये जिनकी कम सिलेक्शन, जैसे एस मोहम्मद की कम होगी, माज बाजी की कम होगी, फिर उसके पास
स्टान आहूजा की कम है सिलेक्शन, तो ये तीन प्लेयर आपकी ग्रैंड लीग में पक्का होने चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि ये इनके प्लेयर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाएं स्टार्टिंग में, यहाँ पर विकेट सेट का जाए और इनके ओपनर ना चलें जैसे पिछले तीन मैच दो मैचेस में चले हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास खुखील हैं 2 रन के साथ 1 विकेट 23 रन, उसके बाद अगर आप देखो भैया मार्क आहूजा 19 रन और 24 रन, फिर उसके बाद स्टीव गॉच 18 रन के साथ 6 विकेट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी, 13 रन के साथ 1 विकेट, उसके बाद हर्ष हमारे पास है 1 विकेट और 2 विकेट, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो निशांता हमारे पास है 1 विकेट, उसके बाद एच दिलदार 1 विकेट और 2 विकेट, उसके बाद ए परिशार आपके पास है 1 विकेट, इसने चटकाई है। यहाँ पर अगर आप देखो दोनों मैचेज में ना बॉलर्स ज़्यादा यूज़ नहीं करें, पर यहाँ पर आप देखो एक आधा बॉलर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, एक आधा ओवर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, जैसे ए प्रसार में बढ़ता हुआ दिखा पहले मैच में भी 1 ओवर, दूसरे मैच में भी 1 ओवर, यहाँ पर अगर आप देखो तो एन लियांगे दोनों मैचेस में 1-1 ओवर इसने करवाए। ये आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग प्लस ग्रैंड लीग चॉइस रहना चाहिए, यहाँ पर ये सारे प्लेयर तो आपके पास होने ही चाहिए, ये चारों के चारों माई टीम में होंगे। ए प्रसार आप पिक करना चाहो, क्योंकि ए प्रसार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको हो सकता है ऊपर आता हुआ दिख जाए, नहीं तो आप ए प्रसार नहीं लेकर जाना चाहते किसी और प्लेयर को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वही वाली बात है, थोड़ा सा रिस्क लेके इन तीनों में से किसी एक प्लेयर को जोन सा आपको बढ़िया लगे वो लेकर आप जा सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हर्ष हमारे पास 1 विकेट पहले मैच में 1 विकेट, यहाँ पर एस दिलदार ने पहले मैच में चटकाई, एस गौच ने 6 विकेट चटकाई, जेड खुखील ने 1 विकेट चटकाई और यहाँ पर एन लियांगे ने 1 विकेट चटकाई। यहाँ पर अगर आप देखो 2 विकेट हर्ष ने चटकाई दूसरे मैच में, हबीब ने 2 विकेट चटकाई, उसके बाद एस गौच ने 1 विकेट चटकाई, उसके बाद ये परिहार ने 1 विकेट चटकाई। तो ये पूरी की पूरी बॉलिंग डिपार्टमेंट बता चुका हूँ, बैटिंग डिपार्टमेंट बता चुका हूँ, अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है चैनल सब्सक्राइब नहीं करा दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। यहाँ पर दोबारा बता दूँ, अभी रेन हो रही है तो भैया थोड़ा सा छोटा मैच हमें ये भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आई खान हमारे पास है, एम भाजी आपके लिए ग्रैंड लीग चॉइस, जैसे मैंने आपको बताया आरटीसीसी के हो सकते हैं ओपन प्लेयर ना चलें, तो एस मोहम्मद या एम भाजी में से कोई एक प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो। उसके बाद यहाँ पर ए पटनायक आपके पास है, इतना बढ़िया प्लेयर नहीं, आप इसे ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बैटिंग में अगर मैं बात करूँ, एस गौत जेड खुखील, फिर उसके बाद यहाँ पर एस आहूजा, एस जामिल मैंने पहली टीम में नहीं रखा हुआ है, बी पटेल रखा हुआ है, बी पटेल अगर आप चाहो पिक कर सकते हो, नहीं तो एस जामिल पिक कर सकते हो अगर बिल्कुल ही सेफ जाना चाहते हो। ए फरसत हमारे लिए स्मॉल ग्रैंड लीग की चॉइस रहेगा, स्मॉल ग्रैंड लीग में हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करके देगा। यहाँ पर अगर आगे मैं देखूँ तो भैया ए यालमास आपके पास हैं, एच माधवन आपके पास हैं, परियार, तीनों प्लेयर बहुत बढ़िया हैं, तीनों प्लेयर रखने ही चाहिए हमारी टीम में, होने चाहिए ये प्लेयर, जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग फेवरेबल है। एस आहूजा एक ऐसा प्लेयर जिसकी सिलेक्शन बहुत कम है, ग्रैंड लीग में आपका होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है DUCC की टीम बढ़िया परफॉर्म कर जाए और इनके ओपनर्स ना चले, तो ग्रैंड लीग के लिए मैं एस आहूजा को प्रेफर करूंगा, स्मॉल लीग के लिए नहीं, ना ही स्मॉल ग्रैंड लीग के लिए। के दिलदार और आर कुमार दोनों ही प्लेयर एक ऐसे हैं जिन्होंने पहला मैच खेला दूसरा मैच नहीं खेला, तो और उन्होंने वही वाली बात है ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म भी नहीं करा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एच दिलदार आपके पास एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, बी सिंह और आई अली तीनों प्लेयर बहुत बढ़िया हैं, ए प्रसार अगर आप ट्राई करना चाहो, ए प्रसार आप डिफरेंशियल पिक की तरह ट्राई कर सकते हो और नीचे आपके पास कोई प्लेयर नहीं है। यहाँ पर के घांबे की अगर मैं बात करूँ, इसने पहला मैच खेला था दूसरा मैच नहीं खेला था, चेंजेस आपको शायद देखने को मिल सकते हैं क्योंकि दोनों ही टीम्स बहुत बढ़िया हैं, या तो हो सकता है कि प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंज ना हो, तो वो अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पहली टीम के कप्तान जो मैंने रखा हुआ है, वो रखा हुआ है एस गौच, वाइस कप्तान यहाँ पर जो रखा हुआ है ए यालमाज रखा हुआ है, आई खान है, फिर उसके बाद जेड खुखील है, एम आहूजा है, बी पटेल हैं, फिर उसके बाद एच माधवन है, ए परिहार हैं, फिर उसके बाद एच दिलदार हैं, आई अली और बी सिंह है, पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल ग्रैंड लीग भी फेवरेबल है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोनों कप्तान वाइस कप्तान बहुत बढ़िया हैं हमारे लिए, अगर आप चाहो इसी कप्तान वाइस कप्तान के साथ जा सकते हो, पर पहले मैं ए परिहार के साथ जा रहा था पर फिर बाद में मैंने ए अलमाज के साथ ही जाने की सोच रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी के लिए ए अलमाज ही है, अगर कुछ होता है अपडेट तो वो मैं आपको बताऊँगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर आप देखो भैया जमील मैंने रखे हैं, ये टीम प्योरली हेड टू हेड के लिए है, हेड टू हेड फेवरेबल है, हेड टू हेड में आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी। आई खान हमारे पास है, कप्तान जो है यहाँ पर एस गौच हैं, जेड खुखील हैं, महूजा हैं, एच माधवन है, फिर उसके बाद वाइस कप्तान जो है ए यालमाज हैं, फिर उसके बाद ए परियार हैं, फिर उसके बाद एच दिलदार, आई अली और बी सिंह, पूरी की पूरी टीम हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी स्मॉल लीग हेड टू हेड में। ग्रैंड लीग में आपको पिक्स बता चुका हूँ, ग्रैंड लीग की टीम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।